हाय दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सफ़ेद मटर के छोले। ये मैं एक कटोरी मटर रात भर भिगो दी थी। अब हम इसे कुकर में डाल देंगे और इसमें एक गिलास पानी ऐड कर देंगे। ये मैं आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दी हूँ और अब हम इसका लिड लगा कर इसे बंद कर देंगे। अब हम इसे 4 सीटी आने तक बॉयल कर लेंगे। तब तक इधर मसाले तैयार कर ले रहे हैं। ये मैं एक बड़े साइज का प्याज कट कर ली हूँ और 2 हरी मिर्च, एक मीडियम साइज का टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मैं एवरेस्ट छोला मसाला ली हूँ। आप किसी भी कंपनी का छोला मसाला ले सकते हैं। मैं यहाँ 1.5 चम्मच छोले मसाले ले ली हूँ। ये मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ। आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। और ये मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला ली हूँ। अब हम इन सभी को मिक्स कर लूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे इसका पेस्ट बना लेंगे। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैं धनिया पत्ती ली हूँ थोड़ा सा। अब मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच तेल डाल दी हूँ और इसमें 2 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा। ये चटक गया है तो इसमें अब हम प्याज डाल देंगे। ये जो 2 हरी मिर्च थी इसे भी कट करके डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम ये पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी भून लेंगे। ये देखिए इसे मैं अच्छी तरह भून ली हूँ। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये मैं 1 पिंच हींग डाल दी हूँ। मसाले को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गया तो अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे और 1/2 चम्मच नमक। मैं मटर उबालते समय भी डाली थी तो 1/2 चम्मच मैं मसाले में डाल रही हूँ। आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं 2 मिनट के लिए इसे ढककर भुनी हूँ। ये देखिए एकदम अच्छे से मसाला भुन गया है। किनारे से तेल छोड़ दिया है तो अभी यहीं पे हम ये छोला इसमें डाल देंगे। ये 4 सीटी लगाए थे तो अच्छे से छोला उबल गया था, पक गया था।
अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम ढककर इसे थोड़ी देर के लिए 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे। 5-6 मिनट हो गया है तो देखिए कितना अच्छे से छोला पक गया है। ये देखिए छोले का कितना अच्छा कलर आया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे धनिया पत्ती इसमें डालकर सर्व कर लेंगे। अब ये देखिए, आपके पास कसूरी मेथी हो तो वो भी डाल दीजिएगा, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए छोला बनके तैयार हो गया, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए इसे अब हम प्याज से गार्निश कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा छोला बनके तैयार हुआ है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।